बिसम रिम्स असल क्या हाल है आप सब के मुझे बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि अच्छा सा खुश शक्ल सा आलू गोश्त पकाना सिखा दें अब ये तो मुझे नहीं पता कि मैं आलू गोश्त खुश शक्ल पकाती हूँ या नहीं पकाती पर मुझे ये ज़रूर पता है कि इनिशियल डेज़ में मैंने आलू गोश्त को पकाने में बहुत स्ट्रगल की है आलू गोश्त होता सिंपल है एक्सपर्ट जो ख़्वीन देख रही हैं वो कहेंगी इसको सीखने की क्या ज़रूरत है मगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशनस होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात प्याज का कलर आपने प्याज़ को जो है वो बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना वरना आपके शोरबे का कलर डार्क हो जाएगा ठीक है मैं ऑलरेडी फ्राइड प्याज यूज़ कर रही हूँ अगर आप प्याज इस वक्त फ्राई कर रहे हैं तो उसे लाइट गोल्डन रखें जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हो जाए उसके अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर ज़ीरा डाल के अच्छी तरह से भून लेना है उसमें बेकवाटर कप दही डालें और अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए बहुत से लोग इसमें टमाटर भी शामिल करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप दही डाल रहे हैं तो टमाटर की ज़रूरत नहीं है मैंने इसमें एक टेबल स्पून टमाटो पेस्ट डाला है सिर्फ इसलिए कि कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है आप चाहें तो इसको ना डालें भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है आलू गोश्त में अदरवाइज़ जो है वो कलर भी अच्छा नहीं आता और ग्रेवी भी मज़ेदार नहीं बनती प्याज़ और दही जो है वो शोरबे को गाढ़ा करेंगे तो उस हिसाब से आपने उसको इस्तेमाल करना है आलू गोश्त जो है वो मटन से भी बन सकता है बीफ से भी बन सकता है मैं बीफ से बना रही हूँ और इसे प्रेशर कुक करूँगी आप चाहें तो देगची में भी पका सकते हैं मगर आपको पता है पकाने में बहुत टाइम लगेगा तो जी मैं गोश्त को अच्छी तरह मसालों के साथ भूनूंगी कम से कम 10 मिनट फिर इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर लगा दूंगी प्रेशर लगा के इसको इतना पकाना है कि ये 95 96 परसेंट पक जाए गल जाए ठीक है जी यहाँ पे गोश्त का ना कच्चा होने का कोई ऑप्शन नहीं है गोश्त अच्छी तरह से पक जाना चाहिए एक्स्ट्रा पानी है इसमें तो उसे ड्राई कर लीजिए देख लीजिए पानी ड्राई हो गया है ऑयल सेपरेट हो गया है ये जो बबल्स नज़र आ रहे हैं ये ऑयल सेपरेट हो गया है क्योंकि मैंने बहुत कम ऑयल डाला है अगर आपको खूब औरेंज कलर के तेल वाला आलू गोश्त चाहिए तो आप ऑयल की कोंटिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में इतना है इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है बाकी आपकी अपनी मर्जी है तो जी अब जब हमने गोश्त को दोबारा से अच्छी तरह से भून लिया है इसके अंदर हम डाल देंगे आलू याद रखें कि इस वक्त गोश्त जो है वो 100 परसेंट गलावा हुआ नहीं है अभी भी दो तीन परसेंट कसर है आलू के साथ मसालों को भूनें और उसमें पानी डालें जितना आपको शोरबा रखना है और इसको जो है वो आप प्रेशर कुक कर लीजिए प्रेशर कुक करने से ये होगा कि आलू एक ही सीटी में गल जाएंगे अदरवाइज़ आप इसे खुली देगची में डाल के पंद्रह बीस मिनट तक ढक के पका सकते हैं जब तक आलू गल ना जाए मैंने इसे प्रेशर कुकर ही किया था और उसके बाद जो है वो मैंने इसको देख ची मैं हल्की आंच पे रख दिया जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता तो जी ऑयल आ गया थोड़ा सा गरम मसाला डालें हरी मिर्च हरा धनिया डालें ज़बरदस्त खुश शक्ल किस्म का आलू गोश्त तैयार है आई होप कि जो लोग मुझे इतने दिनों से मैसेज कर रहे थे और मैं बस टाले जा रही थी कि मैं इतनी आसान सी रेसिपी क्या बताऊँ वो अब मुझसे खुश हो गए होंगे और उन्हें ये आलू गोश्त की तरकीब समझ भी आ गई होगी और होपफुली बहुत अच्छा मज़ेदार ज़बरदस्त आलू गोश्त पकेगा ज़रूर बना और फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और जी ये हो गई है शाम और हम शाम को जा रहे हैं किसी के घर मज़ेदार सी दावत पे आप लोग कहेंगे कि के हमारा तो और कोई काम ही नहीं है कि हम हर वक्त दावत पे जाते रहते हैं तो बस जी क्या करें सब के सब जो हैं जो कनाडा में रहते हैं वो आने वाले दिनों से डरे हुए हैं इस वजह से क्योंकि हमें पता है कि अब ज़बरदस्ती सर्दियाँ आने वाली हैं और सब के सब जो हैं वो अपने घरों में बंद हो जाएंगे तो ये आखिरी दो तीन महीने जो है ना वो हम फुल इंजॉय कर रहे हैं और फुल मज़े कर रहे हैं और एक और बात भी है जैसे कि आपके फ्रेंड्स का एक सर्कल होता है ना तो उसमें एक आदमी आपकी दावत कर देता है उसमें सब लोगों को बुला लेता है तो फिर क्या होता है वो सर्कल कंटिन्यू हो जाता है फिर दूसरा करता है फिर तीसरा करता है तो इस तरह से बारी बारी सबके घर में दावत होती रहती है तो अब चूँकि आप भी मेरे फ्रेंड्स में शामिल हैं तो आपने अब तक हमारे फ्रेंड सर्कल में होने वाली तमाम दावतों में शिरकत कर ली है और उम्मीद है कि हर दावत को जो है वो आपने उतना ही इन्जॉय किया है जितना हमने इन्जॉय किया है और जी आपको इस घर में जो है वो जगह जगह पाकिस्तान के रंग नज़र आ रहे होंगे पाकिस्तान की चीज़ें नज़र आ रही होंगी इधर आके जो है वो आपको नॉस्टैल्जिया की फीलिंग होने लगती है कि अपने मुल्क में कितना प्यारा प्यारा सामान होता है और हम बाहर आके जो है वो उन सब चीज़ों से कितना रिलेट करते हैं और कितना पसंद करते हैं चाहे वो अजरक है चाहे वो रली है चाहे वो कुछ है तो जी उम्मीद है कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो हमारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उन्हें भी इनमें से किसी ना किसी चीज़ में अपनी बचपन की, को की कोई याद पाकिस्तान की कोई चीज़ कुछ ना कुछ आपको जरूर रिमाइंड करा रही होगी तो जी यहाँ पे जो है दावत का इंतज़ाम हो रहा है मुझे लग रहा था कि मैं लेट पहुँची हूँ लेकिन मैं फ़र्स्ट थी और अभी तक और कोई मेहमान नहीं आए हुए थे और बस फिर आता जब आना स्टार्ट हुए तो सब फटाफट आ गए और यहाँ पे जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो खाना गर्म हो रहा है और खाऊ से इनकी स्पेशलिटी है मुझे खाओ से बहुत अच्छे लगते हैं मैं खुद बहुत कम बनाती हूँ और जो एक आध दफ़ा बनाए हैं वो भी कोई ज़्यादा मज़े के लगे नहीं पर ये बहुत ज़बरदस्त खाना पकाती हैं अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे इन्होंने बहुत मेहनत की और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का डिनर सर्व किया मुझे पूरी उम्मीद है कि इन वीडियोज़ से आपको किसी ना किसी किस्म की इंस्पिरेशन या मोटिवेशन ज़रूर मिलती होगी देखें ये सब वीडियोस शेयर करने का मकसद ये नहीं होता है कि हम कहीं दावत पे गए इनका मकसद ये होता है कि आपको अपने घर में दावत या पार्टी के मेन्यू का आइडिया हो जाए आपको ये आइडिया हो जाए कि खाने में आप क्या कुछ बना सकते हैं किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से सर्व कर सकते हैं टाइमिंग्स क्या होंगी क्या क्या होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं जो बिल्कुल अभी नया नया घर को संभाल रहे हैं बड़ी बड़ी दावतें उन्होंने कभी भी नहीं की हैं तो उन्हें आइडिया हो कि छोटी जगह पे आप किस तरह से बड़ी दावतें कर सकते हैं टेबल का डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं मेन्यू में क्या क्या आइटम्स रख सकते हैं उसको किस तरह से सजा सकते हैं तो होपफुली आप लोग ज़रूर इन वीडियो से कुछ सीखते होंगे क्योंकि मेरा मकसद भी यही है कि आप लोगों को नए आइडियाज़ मिलें आप लोगों को आसानी मिले और जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं वो चीज़ें आप हमें देख के ही सीख लें और दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बार बार दावतों में चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं वो ही पका रहे हैं वो ही पका रहे हैं क्योंकि उस पर आपका हाथ साफ़ हो गया है आपको पकाना आसान लगता है अच्छा लगता है लेकिन जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसके साथ ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है क्या ख़्याल है मिलते हैं ऐसे आइडियाज़ आपने अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और सबको पता है कि वीडियो का एंड जो है वो चाय के गर्मा गर्म, गर्म पे होना बहुत ज़रूरी है तो जी ज़बरदस्त किस्म की चाय तैयार थी और चाय के बाद था मज़ेदार मीठा ये है कि वामी सवैयाँ देख लें किस कदर हसीन और जमील हैं भाई मैं तो उन लोगों में से हूँ जो खाने से ज़्यादा मीठे में इंटरेस्टेड होते हैं तो बस सवैयाँ देख के तो मैं बहुत खुश हुई और ये है ख़ुबानी का मीठा ट्रेडिशनल हैदराबादी मीठा तो जी बताएं किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इतना ज़बरदस्त मेन्यू और इतना ज़बरदस्त मीठा देख के भाई मैंने तो ये खाया और बहुत इन्जॉय किया और अपने साथ घर भी लेकर आई जो कि मैं अब तक खा चुकी हूँ लेकिन आप लोगों को कैसा लगा आज का मेन्यू और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और ये है जी मैक्स और मैक्स जो हैं वो अब जब सब खा पी चुके हैं तो उन बेचारों को जो है वो कमरे से आज़ाद किया गया ताकि वो भी कुछ खा लें और बिल्कुल वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे थे और अपने खाने में मशगूल थे और जी आखिर में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें वहाँ पे हमारी बात करना बहुत आसान है खुश रहें दूसरों को खुश रखें आसानियाँ दें अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ देंगे फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़